हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। हेलो कैसे हो आप लोग, तो यार स्वागत है इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आपकी एज 18 से कम है एंड आपको कोई भी आईडी लेनी है मेरे चैनल पे से, आप किसी भी आईडी में इंटरेस्टेड हो, तो मेक श्योर आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी पड़ेगी वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू, एंड मैं सब कुछ कन्फर्म करके आपको आईडी दे पाऊंगा। बिकॉज एज अ बिग क्रिएटर इन दिस फील्ड मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी बच्चे को आईडी सेल ना करूं, क्या पता बच्चा कहीं से भी पैसा लेके आ रहा हो, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप तो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 18 प्लस हो तो वो भी मैं कंफर्म करूंगा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें कंफर्म करके आईडी मिलेगी, बिकॉज आईडी के प्राइसेस मेरे चैनल के बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एंड एज अ जेन्युइन आईडी सेलर मेरी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके ही, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो सब कंप्लीट करके ही आपको आईडी मिलेगी। एंड किसी बच्चे को मैं ऐसे आईडी नहीं सेल करूंगा। कोई भी बच्चा प्लीज मेरे से कॉन्टेक्ट मत करना जब तक अपने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा हो, ठीक है। तो चलो गाइस, ये वाला जो आईडी है ना इतना ज्यादा रेयर है, मैं आपको इस आईडी का सारा कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। एंड आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें सीजन 2 का एलीट पास है, सीजन 7 भी है, सीजन 3 भी है एंड 2 इवोगन मैक्स भी है। तो गाइस इस आईडी का मैं आपको सारा का सारा कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा रेयर आईडी है। एंड आप में से कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा इस आईडी को लेना चाहता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कहाँ करोगे, इस आईडी का प्राइस क्या है, वो सब बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना। एंड वीडियो का लाइक एम है 20K लाइक्स, प्लीज कंप्लीट कर देना। अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, एंड चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। एंड आप में से कोई भी बंदा अपनी फ्री फायर आईडी सेल करना चाहता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, फ्री होता है ये सब काम। तो चलो गाइस मैं आपको इस आईडी का सारा कलेक्शन दिखा देता हूं। सबसे पहले इसकी मैं प्रोफाइल दिखा देता हूं, 67 लेवल है। लाइक्स की बात करें तो 10,000 से ऊपर लाइक्स है सबसे पहले इसकी। तो गाइस यहाँ पे मैं बायो में अंडर मॉडर्न वाइट ही लिख देता हूँ। अभी मैं इस आईडी का सारा कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने नीचे कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपका फेवरेट बंडल कौन सा है इस आईडी में। मेरा फेवरेट सीजन 2 का एलीट है, आपको पता है कितना ज्यादा रेयर है। तो मैंने यहाँ पे अंडर मॉडर्न वाइट ही लिख लिया है। एंड हम लोग चलते हैं वोल्ट में, मैं आपको सारे के सारे रेयर बंडल्स दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं। एंड वीडियो का लाइक एम जैसा कि मैंने बोला 20K है, तो यार कर दो कंप्लीट। जितने भी बंदे देख रहे हो ना, मेरे को पता है 20K से ज्यादा व्यूज जाने वाले इस वीडियो पे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, जितने भी एक एक व्यूअर है ना, सब एक वीडियो को लाइक करके ही जाना, ये सब फ्री होता है यार एंड बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज लाइक कर दो। चलो गाइस मैं आपको बंडल्स वगैरह दिखा देता हूं जो रेयर रेयर बंडल्स है, एंड मैं बताऊंगा कौन सा बंडल कब आया। ये तो रिसेंट अभी इवेंट का बंडल है, ये भी रेयर है बट बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसको आप डाल के खेल नहीं सकते। मोस्ट रेयर गाइस इसमें हिप हॉप बंडल है एंड और भी बहुत सारे रेयर रेयर बंडल्स है गाइस, आप लोग देख लो। एंड ऐसा होता है ना कि नॉर्मली जो हिप हॉप आईडीज होती है उनका कलेक्शन लो होता है, बट इस वाली आईडी का थोड़ा उल्टा है, इसका कलेक्शन भी हार्ड है हिप हॉप बंडल के साथ। तो चलो गाइस आपको सारा के सारे बंडल्स मैं दिखा रहा हूं। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर बंडल है एंड इसकी पैंट मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरी पर्सनल आईडी में नहीं है तो मेरे को बहुत ज्यादा रेयर लगती है। एंड ये गाइस अपना B2K बंडल सीजन 7 का एलीट पास, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसका कैप बहुत ज्यादा रेयर है, बाकी इसका बंडल तो हैवी होता है बट हाँ ये बहुत ही ज्यादा रेयर एलीट पास है। इसका इमोट भी बहुत ओपी है। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या आपका फेवरेट है ये वाला एलीट पास या हिप हॉप बंडल है आपका फेवरेट। तो चलो गाइस मैं बाकी के बंडल्स आपको दिखा देता हूं, रीसेंट इवेंट वगैरह के बंडल्स है, बहुत सारे बंडल्स है गाइस इसमें। जितने भी रेयर रेयर बंडल्स है ना जो रीसेंट इवेंट्स में आए, व्याव इवेंट में, टॉप इवेंट में या फेडेड व्हील्स में, बहुत सारे बंडल्स निकाले हैं बंदे ने। एंड मेरा फेवरेट तो हिप हॉप बंडल ही है यार, जितने भी बंडल्स हो ना हिप हॉप का कंपेयर कोई नहीं कर सकता इस आईडी में। एंड बाकी बंडल्स की बात करें तो गाइस ये अभी मैक्लारेन इवेंट में आया था, जो कि मैक्लारेन कोलैब आया था उसका यही वाला बंडल, ये भी रेयर है। इसके जो हेयर है ना वो मेरे को ज्यादा बेटर लगते हैं। एंड गाइस मोस्ट रेयर बंडल ऑफ दिस आईडी गाइज अपना सीजन 2 का एलीट पास हिप हॉप बंडल, आपको पता है कितना ज्यादा रेयर है। हर एक यूट्यूबर को पता है कि कितना ज्यादा रेयर है, हर एक नॉर्मल प्लेयर को पता है कितना ज्यादा रेयर है। एंड मोस्ट रेयर एलीट पास है अभी तक का, सीजन 1 से भी ज्यादा रेयर है। एंड इसको बहुत ज्यादा लोग इसके फैंस हैं, आपको पता है, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आप इसके फैन हो इस बंडल के, ठीक है। तो चलो गाइज बाकी के बंडल्स मैं दिखा देता हूँ। एंड इसमें सीजन 3 का एलीट पास भी है, सीजन 7 भी है, सीजन 8 भी है एंड और भी रेयर एलीट पास है। मैं सारे के सारे आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करने नीचे एंड वीडियो को ज्यादा शेयर करना। एंड इसकी गन कलेक्शन भी बहुत ज्यादा ओपी है, 2 इवोगन मैक्स है आपने देखा। एंड और एलीट पासेस की बात करें तो यहाँ पे सीजन 8 का एलीट पास आपको पता है कितना ज्यादा रेयर है। इसका इमोट बहुत ज्यादा ओपी है डांसिंग वाला एंड ये अपना सीजन 7 मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया। एंड सीजन 3 भी है गाइस, आपको पता है इसका सर्फ बोर्ड अभी तक का रेयरेस्ट सर्फ बोर्ड ऑफ फ्री फायर है एंड इंडियन सर्वर में बहुत ज्यादा डिमांड है इस सर्फ बोर्ड की। तो सीजन 3 का एलीट पासेस भी है एंड इसका अवतार भी आपको पता है कितना ज्यादा ओपी लगता है, व्हाइट वॉकर वाला। एंड बाकी आप लोग देख लो, ये है शायद इन्क्वेटर का बंडल, ये जो अभी रिसेंट पेपर कट वाला आया था ना, ये भी ज्यादा रेयर नहीं है बट इसमें मतलब ये वाला इन्क्वेटर भी है। एंड
बाकी बंडल्स की बात करें तो ये हैवी बंडल है जो मैजिक क्यूब्स में आए थे, ये सब तो मट्टी डालो आप लोग। एंड बाकी ये क्रिकेट वाला बंडल भी, विराट कोहली वाला 18 वाला, एंड और भी रेयर बंडल्स है। मैं आपको सारे के सारे बंडल्स वगैरह दिखा रहा हूँ। अगर इसमें सीजन 4 भी होता ना तो क्या ही तो कॉम्बो बनता, बट इसमें सीजन 7 एंड हिप हॉप बहुत ही ज्यादा ओपी कॉम्बिनेशन है। एंड बाकी टी शर्ट्स वगैरह की बात करें तो बहुत सारी टी शर्ट्स है इस आईडी में, सीजन 3, सीजन 7, सीजन 2 एंड सीजन 8 बहुत ज्यादा रेयर है इस आईडी में। मतलब जो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलीट पासेस है ना वो सब है इस आईडी में, मतलब जो एक्सपेक्ट करता है कोई भी नॉर्मल प्लेयर। बाकी अगर आप लोग टी शर्ट्स वगैरह की बात करें तो रैंक सीजन की जो बहुत ही रेयर टी शर्ट है जो कि कभी रिटर्न नहीं आने वाली है, जो अचीवमेंट वाले प्लेयर है उन्हीं के पास है। तो गाइस आप लोग जैसे गोल्डन प्रूफ की सीजन 3 की हीरोइक टी शर्ट है, शायद ये सीजन 3 की है, हीरोइक की है शायद, ये पता नहीं, सीजन 4 की गोल्ड टी शर्ट है। एंड ये गाइस अपनी सीजन 2 की टी शर्ट है गोल्ड की, सीजन 2 के मतलब इसके अवतार बैनर्स बहुत ज्यादा रेयर होने वाले हैं। मैंने अभी देखे नहीं थे अवतार बैनर, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ मेरा भी रिएक्शन कैसा होगा, मैं देख लेना आप लोग। एंड बाकी गाइस आप लोग देख लो यहाँ पे टी शर्ट वगैरह, सीजन 2 तो मैंने आपको दिखा दिया हिप हॉप बंडल, एंड ब्लैक टी शर्ट इस आईडी में है। ब्लैक टी शर्ट आपको पता है कितना ज्यादा रेयर है एंड मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, ब्लैक टी शर्ट भी इस आईडी में है। बाकी गाइस पैंट्स वगैरह की बात करें तो बहुत सारे रेयर पैंट्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बो आप लोग बना सकते हो गाइस, देख रहे हो क्या ही तो लग रहा है। ब्लू आर्टिक होता तो और ज्यादा रेयर लगता, बट ऐसे भी बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो फुल बंडल्स की बात करें तो रेयरेस्ट क्रिमिनल बंडल है इस आईडी में, रेयरेस्ट नहीं है सॉरी, ग्रीन क्रिमिनल बंडल है जो कि हर एक आईडी में होता है नॉर्मली। एंड ये वाले मतलब जो नॉर्मल बंडल्स वगैरह वो सारे हैं इसमें। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्रेट्स वगैरह भी है, मैजिक क्यूब भी है एक ऑलरेडी, ठीक है, एवोल्यूशन स्टोन 11 पड़े हैं। एंड अभी मैं इस आईडी का आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, उससे पहले मैं इसमें सीजन 2 डाल लेता हूँ बिकॉज सीजन 2 बहुत ज्यादा रेयर है एंड बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है यार सीजन 2। नीचे बहुत सारे कमेंट्स करना सीजन 2 से रिलेटेड, कुछ भी जानते हो ना सीजन 2 में क्या आया था, कौन सा बंडल आया था, कौन सा लूट बॉक्स था, सब नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। एंड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो या फिर किसी गिल्ड के ऊपर वीडियो चाहिए होगा ना नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इमोट्स वगैरह की बात करें तो 2 इवो गन मैक्स है, एक्समेट का इवो एंड M10 का इवो जो कि बहुत ज्यादा रेयर है आपको पता है। एंड और भी रेयर मतलब जो इवेंट वगैरह के बंडल से सीजन 7 का एलीट पास का इमोट है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। एंड बाकी इमोट्स आप लोग देख सकते हो यार, जितने भी इवेंट वगैरह के इमोट्स वगैरह है ना या फिर जो स्टोर में पड़े हुए हैं या फिर किसी बैब इवेंट में आए हैं टॉप इवेंट वाले, बहुत सारे इमोट्स इस आईडी में। एंड गाइस व्हीकल्स की बात करें तो ये सीजन 3 का जो जीप है बहुत ज्यादा रेयर है, सीजन 3 में आया था एलीट पास में, बहुत ही कम लोगों पे, जिन पे सीजन 2 का एलीट है, सीजन 3 का सॉरी, उन पे यही वाला जो व्हीकल है। एंड बाकी गाइस आप लोग देखते हो बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह की स्किन है, लैम्बोर्गिनी की भी बहुत सारी स्किन है। बैकपैक की बात करें तो यहाँ पे सीजन 2 का बैकपैक बहुत ज्यादा ओपी लगता है, जो अपना ये चिकन है ब्रदर चिकन वाला, ये भी ओपी है। एंड और भी रेयर है बैकपैक्स वगैरह, गाइस आप लोग देख लो बहुत सारे बैकपैक है। एंड अभी स्काइविंग तो यूज करो ही मत। एंड लूट बॉक्सेस की बात करें तो ये सीजन 2 के लूट बॉक्सेस है, ये वाला है ब्लू कलर का, ये ब्लू बूम बॉक्स, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा रेयर है। एंड सर्फ बोर्ड तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, सीजन 3 का सर्फ बोर्ड है जो कि रेयरेस्ट है अभी तक का, इसका कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, मतलब इस सर्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा रेयर है। बाकी आप लोग देख लो और भी बहुत सारे सर्फ बोर्ड है सीजन 7 वगैरह के। एंड अभी बात करें पैराशूट्स की तो बहुत सारे पैराशूट्स है, आप कोई भी इक्विप कर सकते हो। एंड मोस्ट रेयर जैसे कि मैंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा रेयर बैनर एंड अवतार्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैनर अवतार, ये सीजन 2 के हैं, ठीक है, ये सीजन 3 का है एंड ये सीजन 7 के हैं। एंड ओल्ड रेयर रैंक सीजन के बैनर्स की बात करें ना तो गाइस देख सकते हो आप लोग सीजन 2 का सिल्वर बैनर है, ठीक है, गोल्ड बैनर है, प्लैटिनम भी है और डायमंड बैनर भी है। अगर ये बंदा हीरोइक भी लगाया होता ना तो बहुत ज्यादा रेयर आईडी होती। एंड गाइस मैं आपको बता दूं सीजन 2 का हीरोइक बहुत ही कम लोगों ने लगाया था उस टाइम पे, बहुत ही कम लोगों ने, एंड वो आईडी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है एंड बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, मतलब बिकॉज सीजन 2 का हीरोइक बैनर यार बहुत ज्यादा रेयर है। मेरा फेवरेट जो बैनर होता है ना वो मेरा फेवरेट है वही वाला सीजन 2 का हीरोइक बैनर। एंड और भी रेयर बैनर वगैरह देख सकते हो राकेश भाई लगाते हैं तो और भी ज्यादा रेयर है। एंड सीजन 3 का प्लैटिनम डायमंड बैनर भी है। फर्स्ट हीरोइक की बात करें तो इसका सीजन शायद सीजन 10 में लगा होगा हीरोइक, सीजन 10 का शायद फर्स्ट हीरोइक, हाँ मैंने जैसा गेस करा सीजन 10 का फर्स्ट हीरोइक। एंड और भी बहुत ज्यादा रेयर बैनर अवतार आपने देखे। अवतार की बात करें तो इतने सारे रेयर अवतार है, शायद सीजन 3 का या सीजन 5 का है, सीजन 5 का एलीट पास लिया होगा बंदे ने बट शायद से क्लेम नहीं करा। एंड और भी रेयर ओल्ड बैनर वगैरह सीजन 1 के बहुत सारे रेयर बैनर है, पिंस वगैरह भी बहुत सारे हैं। अभी जो मेन इस आईडी का वेपन कलेक्शन है ना जिसमें मतलब किसी भी आईडी में को परफेक्ट बनाने के लिए एक वेपन कलेक्शन बढ़िया होना चाहिए, तो चलो गाइस मैं अभी आपको वेपन कलेक्शन दिखा देता हूं। एंड M4A1 की बात करें तो टोटल 7 स्किन है, ये वाले लेजेंडरी है, मैक्सिमम प्लेयर यही यूज करते हैं। एंड यहां पे टोटल 7 स्किन है। एके की बात करें तो यहाँ पे एके में नॉर्मल ये वाली एके, ये 34 डेज के लिए ड्रैगन एके, ड्राको या इवो इनक्वेटर वाली नहीं है बट ये वाली ओपी है, ये वाली भी ओपी चलती है, डबल डैमेज एंड सिंगल रेंज है। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप में से ये वाली एके किस किस के पास है, ठीक है। एंड M14 की बात करें तो डबल रेट ऑफ फायर वाली दो स्किन है, ये नॉर्मल है, डबल डैमेज वाली है, सॉरी नॉर्मल नहीं हुआ है, डबल डैमेज बहुत ज्यादा ओपी होता है। एंड स्कार की भी एक स्किन है, मतलब गन्स वगैरह भी बहुत ज्यादा ओपी है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं बोलूंगा हाँ बट बहुत ज्यादा ओपी।
एंड गाइस फार्मर्स की बात करें तो ये वाली वॉरियर वाली स्किन है जो कि डबल रेट ऑफ फायर एंड सिंगल रिलोड स्पीड है, बहुत ज्यादा ओपी, एनिमेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड एक्समेट जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देख लिया इवो की एक्समेट मैक्स है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना क्या आपके पास ये मैक्स है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। एंड ये इवो मैक्स है, बहुत ज्यादा ओपी चलती है, ये मैंने खुद यूज करा था इसको। एंड AN94 की बात करें तो नॉर्मली मतलब स्किन वगैरह है, किसी में सिंगल एक्यूरेसी है तो किसी में सिंगल रेंज है, एंड एक नॉर्मल भी है। एंड यहाँ पे फेडेड भी ये इलीट पासिस की है, ऐसे यहाँ जो प्लाज्मा की स्किन वगैरह है, जी की भी स्किन है, ये शायद पता नहीं इनक्यूबेटर, ये शायद आई है अपने इलीट पास में, इलीट पास की है ऐसे ये। एंड बाकी बात करें यहाँ पे नॉर्मल गन की तो SKS की डबल एक्यूरेसी वाली है एंड सिंगल रेंज वाली भी है। एंड मशीन गन्स में गाइस M60 की नॉर्मल सी स्किन है, डबल एक्यूरेसी है, ज़्यादा रेयर नहीं है। एंड कोड की स्किन तो नॉर्मली सबको एक्सचेंज में मिली थी। एंड SMG में बात करें तो गाइस यहाँ पे UMP की टोटल 7 स्किन है, ठीक है। एंड ये वाली बहुत ज़्यादा रेयर है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि रबी MP40 बहुत ज़्यादा रेयर है, MP40 बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, UMP जो है ना बहुत ज़्यादा OP है, रूबी वाला भी बोल सकते हो आप, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। MP5 की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा OP डिज़ाइन है इसका, नट क्रैकर वाली। एंड क्या ही तो एनिमेशन है इसका, देख सकते हो गाइस आप लोग क्या ही एनिमेशन, दिवाली पे आई थी ऐसे ये। एंड यहाँ पे टोटल 8 स्किन है इसका, डबल रेट ऑफ फायर है, बहुत OP है। मैकेनिकल MP40 है इस ID में, एंड MP40 में कोई कोबरा या पोकर तो नहीं है, बट मैकेनिकल बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी। एंड मैं पर्सनली मैकेनिकल यूज़ करता हूँ, पोकर है मेरे पास बट फिर भी मैं मैकेनिकल यूज़ करता हूँ कभी कभी, बिकॉज ये बहुत अच्छा हेड पकड़ती है, बहुत OP है ये। एंड P90 की भी यहाँ पे दो दो स्किन वगैरह है। एंड थॉमसन की बात करें तो ये रिसेंट फेडेड व्हील में आई थी, एंड ये वाली भी है जो कि बहुत ज़्यादा OP है, डिज़ाइन इसका तो भाई नेक्स्ट लेवल है। एंड शॉटगन्स की बात करें तो शॉटगन की किंग जो है, वैसे किंग तो वो इंक्वेटर वाली है बट उसके बाद यही आता है, ये मैक्स है, टोटल 7 लेवल की है। एंड स्पास की भी बहुत सारी स्किन है, एंड ट्रॉपिकल पैरेट तो नहीं है बट हैंड ऑफ होप है, ठीक है, हैंड ऑफ होप जो अभी रिसेंट स्किन है इसकी M187 की। एंड मैक्स 7 की भी फेडेड व्हील वाली स्किन। एंड गाइस स्नाइपर्स की बात करें तो Kar98 की यहाँ पे 3-3 स्किन है, किसी का डबल डैमेज है तो किसी का डबल रेंज है, ठीक है, तो ये डबल डैमेज वाली ज़्यादा बेटर है। एंड M82B की भी स्किन है नॉर्मल सी, पिस्टल्स वगैरह आप लोग देखते हो कई सारे पिस्टल्स हैं। एंड पेन में गाइस स्ट्रीट फाइटर वाला है जो कि फ्री में मिला था अपने को क्लेम करने में, बट बहुत ज़्यादा OP डिज़ाइन है इसका। एंड पारंग की भी स्किन है, ओल्ड वाला पारंग है ऐसे ये, ओल्ड या इलीट पासिस का होगा। एंड बैट की ये रेयर वाली स्किन है, नेल बैट, बहुत ज़्यादा रेयर है ये, बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत ही कम आईडीज में, जो ओल्ड प्लेयर है उन्हीं के पास है। एंड कटाना पारंग की तो स्किन नहीं है, मतलब कटाना की स्किन नहीं है, फीस्ट की भी है एक स्किन, KO फीस्ट, जो कि आई थी अपने शायद फेडेड व्हील में या फिर आया था किसी इवेंट में। एंड ग्लूवॉल्स की बात, ग्रेनेट्स यहाँ पे टोटल 13 ग्रेनेट्स है, एंड ग्लूवॉल टोटल 4 है, ग्लूवॉल 4 है मतलब कम ग्लूवॉल है बट एक ही लगा के जाना पड़ता है, आपको पता है। अदर्स में बात करें तो लॉन्चर की OP वाली स्किन है जिसका डबल रेंज है, एंड लॉन्चर में तो रेंज ही चाहिए होता है, ठीक है। एंड गाइस अभी मैंने इस आईडी का सारा कलेक्शन दिखा दिया है, ठीक है, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस आईडी का कलेक्शन बढ़िया लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप में से कोई एक ही बंदा इस आईडी को ले सकता है, एंड अगर आप लोग 18+ हो तभी ले सकते हो, 18+ वाले जो बच्चे हैं ना इस आईडी को वीडियो देख रहे हो, बस वीडियो को एंजॉय करो, एंड वीडियो एंजॉय करके वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना, एंड बस एंजॉय करा करो यार वीडियो को। मेरे को पता है सभी बंदों को आईडी नहीं लेना होता है, ठीक है। एंड अभी मैं एज अ बिग क्रिएटर मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया था, एंड फिर से मैं बता देता हूँ यार, प्लीज बच्चे आप लोग ट्राई मत करो आईडी वगैरह बाय करने का, यहाँ पे हर बंदा ट्रस्टेड नहीं होता है, मैं बोल सकता हूँ बस, बाकी विश्वास आप लोग कर लेते हो तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी से दुश्मनी लेना चाहता हूँ, बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता सकता हूँ कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करो ऐसे, एंड अपने पेरेंट्स से पहले बात करवा लिया करो किसी से भी आईडी लेते हो तो। मेरे को पता है यार ये सब पेरेंट्स को बताने वाली चीज़ें नहीं है, बट हाँ मैं बोलूँगा मत ही लो, बच्चे आईडी मत लो, जो मैच्योर लोग हैं वो लोग आईडी खरीदो। तो इस आईडी का जो प्राइस है ना वो मैं बताने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे हमेशा की तरह, एंड इसके नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं बताने वाला हूँ ना मैं इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आपको जाके फॉलो करना है, फ्री होता है, फॉलो कर लेना, माइटी मॉडर्न नेम्स इंस्टाग्राम अकाउंट है, थोड़ी देर से आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अपना पेज है, जो मेरा 60K फॉलोअर होने ही वाला है, जाके फॉलो कर लो जल्दी, वहाँ पे 100K करना है हमने। तो गाइस इस आईडी का प्राइस वहीं बताने वाला हूँ, जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा 90% हैंड टू हैंड प्रेफर करूंगा, बट फिर भी आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हो एंड आपका एज भी अच्छा है, एंड मैं सब कुछ अच्छे से प्रूफ कर लूंगा, मतलब आपसे प्रूफ ले लूंगा, देन आपको मैं बाय करूंगा ये आईडी, मतलब सेल करूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, आई लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, जय हिंद गाइस।